अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर, लाइफ कोच। और आपको याद होगा, अभी कुछ अर्सा पहले मैंने टेंजिबल एंड इनटेंजिबल पार्ट ऑफ द लाइफ के बारे में अपनी वीडियो आपके सामने पेश की थी, और काफ़ी कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन स्टूडेंट्स का मेरे पास बहुत सारे इस सिलसिले में सवालात आए थे क्या, तो मैंने उनको इजीली बताया था कि बेटा, पैसे से, रुपए से, खाने पीने कपड़े से एक मदद होती है। एक होती है मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स, होता है किसी को सहारा देना, किसी को एक सूदिंग करना, किसी के साथ कंपैशन बिल्डअप करना, रिलेशनशिप वो करना। तो अभी इत्तेफाक से एक बिनते फातिमा ओल्ड होम एक है प्रोजेक्ट हमारा, जो हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के, ये प्रोजेक्ट होता रहता है। एंड आई वॉज बींग अ चेयरमैन, और हमने वहाँ पर जो था अभी वो प्रोजेक्ट अपना वो किया, तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज देर आर 42 एंड अराउंड इस तरह की जो माएँ हैं बेघर, जो माँ रह रही हैं, और जिस तरीके से उनकी टेक केयर हो रही है। आप लोग ज़रूर कभी वहाँ पर जाके विजिट करें और जो रियल ड्रामा इन लाइफ देखें। इत्तेफाक से एक माँ से जब मेरी मुलाकात हुई, तो बिलीव करें कि 90% आइडेंटिकल जो थी उनकी जो शक्ल थी, वो बिल्कुल मेरी मरहूम माँ से थी। एंड दैट वॉज रियली इमोशनल कि मैंने कहा, यार मेरी वालदा यहाँ किस तरीके से आ गई। बहरहाल मैंने उनके बड़े हाथ चूमे, दोबारा सर पे हाथ फिरवाया, फिर मैंने कहा, आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं, और मैं अब इंशाल्लाह यहाँ आता रहूँगा। और इस तरीके से जो है वो बहुत खुश थी, और कुछ उनमें से ऐसी थी कि जो अपनी मेमोरी उन्होंने लॉस कर ली थी। और एक मुझे याद है कि जो वहाँ के टेक केयर थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई, ये माँ जी, ये आपका बेटा आया है। तो आप अंदाज़ा लगा लें उस माँ का, कि उसकी सारी मेमोरी लॉस है और इस तरीके से वो रह रही हैं, लेकिन उनको अपने बेटे का नाम था, और पर्टिकुलरली नाम में लेना नहीं चाहता। उन्होंने बताया कि अच्छा ये आया है, तो हमने कहा कि नहीं, मकसद हम बराबर में ही रहते हैं और हम भी आपके बेटों की तरह हैं उस तरीके से। देखिए, इन लोगों को जब इस तरह के आप विजिट्स करें या जो इस तरह का वो, तो मेरे गुरु एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि खाने पीने, रहने सहने, और जो उनके कपड़े और चप्पलें और जो भी उनका आइटम्स होते हैं, उनको इन लोग इनको इन चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। उनका कंसर्न ये होता है कि हम उनको साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, उनकी सुने, उनकी बातों को जो है अहमियत दें, और उनको पता करें उनके बारे में। और एक बिल्कुल चुपचाप होके आप, बजाय इसके कि वहाँ कोई इमोशनल इस तरीके से, कोई मोटिवेशनल स्पेक्स या कोई इस तरह की बात करें, आप सिर्फ ये है कि उनकी बातों को सुने और वहाँ एक टाइम बिताएं। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि बहुत नियरेस्ट है ये विलेज रेस्टोरेंट के पास कराची के, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाएँ, देखें रियल लाइफ ड्रामा किस तरीके से वो है। ज़्यादातर लोग किस तरीके से, इस तरीके से उनकी टेक केयर हो रही है कि इवन जो वहाँ की जो फाउंडर हैं, वो उनके नाखून्स वगैरह या ये सारी चीज़ें वो करते हैं, और बेहतरीन खाना उनके लिए, और बेहतरीन रहना, और एक क्वालिफाइड नर्स 24 घंटे उनके साथ वो रहना। और कुछ इस तरह से जो बेड रिडन है, उन बेड रिडन की इस तरीके से टेक केयर हो रही है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में भी नहीं हो सकती, और कोई अपना नहीं कर सकते लोग। तो दोस्तों, मेरी सबसे गुजारिश है कि नॉट पर्टिकुलर दिस जो है होम, आप लोग इस तरीके के अपने बच्चों को भी लेके जाएं और यहाँ इस तरीके के दौरे करते रहें, देखें, उनके सुनें, कुछ जिस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, ताकि बच्चों में कंपैशन और एक इस तरीके का जज्बा पैदा हो और एक अच्छे शहरी पैदा हो। आज का सिर्फ यही मैसेज था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस वीकेंड।